दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी? जोर में साथ शेयर कीजिएगा, मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों, यहाँ पर होगी हम लोग की पूजा और यीशु को लगा दूंगी टीका, क्योंकि बच्चों को टीका लगाना बहुत अच्छा लगता है। मोक्ष नहीं लगा रहा था, फिर उसने लगा लिया। उसको ऐसा लग रहा होगा कि क्या लगा रही है। तो आज बहुत जल्दी मेरे काम हो गए थे। तो चलिए, मैं ना यीशु को लेकर आती हूँ। यीशु चली गई है मोक्ष की, यहाँ पर ऐसा ही करती। पता है, मोक्ष जब भी आता है और वो घर जाता है ना, उसके आगे आगे दौड़ के वो पता है पहले ही मोक्ष की यहाँ पर चली जाती है। तो चलो, मैं अभी जाती हूँ, यीशु को लेकर आती हूँ। और फिर रोटी बनाना है। सब्जी तो मैंने चढ़ा दी हूँ, रोटी बना दी जल्दी से। देखिए, प्लांट मैंने बाहर रखे थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए, इसका धूप का हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर कपड़े डालना थोड़े से सुखाने के लिए। चलो, मुझे क्लीन करना है, देखती हूँ। मॉर्निंग में सोच रही थी पर नहीं किया, शाम को देखूँगी। जा रही यीशु को लेने के लिए। यीशु, यीशु, चलो चलो। नहीं आएगी ना यीशु घर? तो मेरे हस्बैंड है ना, हमेशा मुझसे बोलते कि तुम बहुत ज़ोर से बोलती हो। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं बहुत ज़ोर से बोलती हूँ। तो एक मतलब बच्चों को चिल्लाते चिल्लाते एक आदत हो जाती है ना ज़ोर से बोलने की, तो मुझे ना वैसे ही हो गई। तो अब मुझे ना धीरे बात करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते कि तुम है ना ज़ोर से बोलती हो। तो हो जाता कई बार बच्चों के साथ रह करना, मतलब आवाज़ इतनी निकलती कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बच्चे जब खेलते हैं ना, तो एक दूसरे को मारते भी है, खेलते भी है, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। तो उनको देखना भी पड़ता, डांटना भी पड़ता है, प्यार से समझाना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग तो हो ही गई है आप लोगों से बातें करते करते। और यहाँ पर आई थिंक ये देख रहे, एपिसोड देख रहे हैं, मीन्स की वेब सीरीज़ देख रही यीशु के पापा। और यहाँ पर बस मैं ऐसे ही ट्रायल के लिए देख रही थी कैसा लग रहा है, पर मैं उसको निकाल के रख दूँगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता है, मॉर्निंग में नल नहीं आया तो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी यीशु को सुला दिया है, और अभी मुझे कुछ थोड़ा सा इस पर, ये बॉटल इस पर कुछ करना है। तो वो अभी यीशु सो जाने के बाद मेरा यही काम रहता है। इसके बाद घर को मुझे ठीक करना है। ये देखिए, बेडशीट वगैरह यहीं पर पड़ी है, पर मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे इस पर काम करना है और फिर इस पर काम करूँगी। घर पर बाद में काम करूँगी, सबसे पहले इस पर काम करती हूँ। तो चलिए, अभी हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी, लंच करने के लिए आए थे, और मैं लग जाती हूँ अपने काम में। पता चल के यीशु उठ जाएंगे, उससे पहले यीशु को उठने से पहले हो सके तो मैं अपना काम जो है कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं होता है तो फिर भी थोड़ा तो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने जो बॉटल को ड्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर मैं इसको नेचुरली ड्राई होने दूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर गीला है थोड़ा सा, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ मतलब लगानी है, वहाँ पर एक बार मैं फिर से यहाँ पर लगा दूँगी। ये जो है ना कलर यूज़ किए हैं, ये आपको बताऊँगी कि कौन से कलर यूज़ किए हैं। इसका जब वीडियो शेयर करूँगी ना, उसमें बताऊँगी। रंगोली से बनाए हैं बॉटल पर आर्ट, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर शो हो रही है बॉटल में रखी, यहाँ पर मतलब कंप्लीट हो चुका है, उसको ड्राई होने के लिए रखा है। तो इसको है ना मतलब ट्राई कर रही थी कि रंगोली बहुत सारी रखी हुई है, क्योंकि मैं जब छोटी थी, मेरी मम्मी ट्रेनिंग पर गई थी, उस समय मेरी मम्मी को इन्हें इस तरीके का आर्ट वगैरह बनाना सिखाया था। तो वो मुझे याद था कि हाँ, मम्मी ने भी ऐसा बनाया था, मीन्स के बॉटल वगैरह पर नहीं बनाया था उन्होंने, और जैसे कि पेपर वगैरह पर उन लोगों ने बनाया था, उनको ट्रेनिंग में बताया था, बहुत सारी चीज़ें बनाया था, मतलब रंगोली से बनाई थी। तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलिए मैं भी इस पर ट्राई करके देखती हूँ। बहुत अच्छा बना है,
और आप लोग के साथ शेयर करूँगी अच्छे से। तो बस अभी इवनिंग हो गई है और ऋषि के पापा आ गए थे ड्यूटी से, तो मैं अभी तक अपने ये सब कुछ काम ही कर रही थी। तो फिर चाय वगैरह बनाना है, ये यहाँ पर बैठ गए हैं, इनकी ना नींद नहीं हुई है बिल्कुल भी, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है और नींद वगैरह नहीं होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरा ऐसा है कि मैं अगर मेरी रात में नींद भी नहीं होगी ना तो मैं इतना सोचती भी नहीं हूँ, और ये सोच कर ना मैं अपने माइंड को फ्री कर लेती हूँ कि अभी रात आएगी, दिन में काम कर लेते हैं जो भी करना है और रात को आराम से सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो कहीं जाना ही नहीं, मैं सो जाऊँगी ऐसा सोचती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है, आपने देखा, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे यहाँ पर वाईफाई लग चुका है जियो का। और पता, बहुत ज़्यादा खुशी, मीन्स कि इतनी बड़ी स्क्रीन पर खुद को देखना बहुत अच्छा लगता है। और ईशू बोलते मम्मा टीवी, मम्मा टीवी, मम्मा टीवी, तो ईशू है ना, मतलब ये बोल रही थी कि मम्मा टीवी पर है, मम्मा टीवी पर है, और कितना अच्छा लग रहा था। मैं और ईशू मतलब ऐसा फील कर रहे थे कि हम लोग ना सच में अपने आप को ना टीवी पर देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों हम लोग रेडी हो गए शॉप पर जाने के लिए, ईशू को लेकर जाती हूँ, मुझे क्या लेना है अच्छा वो याद आ गया, नहीं तो ना भूल जाती, पता है मुझे जिस मतलब मैं जा रही हूँ किसी और काम के लिए, पता चले वो तो काम नहीं करूँगी और दूसरा ही काम करके आ जाऊंगी। हेलो ईशू, शूज नहीं रखो उसके ऊपर, शूज नहीं रखती बेटा, बोलना मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज बताइए। चलो बेटा मैं शूज पहना देती हूँ। तो चलो अभी जाती हूँ मैं, पहले ना साड़ियाँ निकाल लेती हूँ, कुछ साड़ी जो है पिको फॉल करना है, कपड़े रखना है, साड़ी अभी लेके जाती हूँ। अभी ईशू ना जस्ट सोकर उठी है, मतलब थोड़ी देर पहले ही उठी है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको है ना थोड़ा सा शॉप में से लेकर आती हूँ, क्योंकि ईशू के पापा गए डॉक्टर के पास, थोड़ा सा काम था उनको। रुको रुको चलाओ शॉप पर जाना है ना, इधर आओ इधर देखो, चलाओ शॉप पर जाना है ना। तो अभी ना मैं डिनर बनाऊंगी और लाइट हमारे यहाँ का खराब हो गया है, तो इसी कारण मैं रेसिपी भी शेयर नहीं कर पाती, उनको बोलना पड़ेगा ठीक करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए, ध्यान नहीं दिया उन्हें अभी तक, पर आज बोलना पड़ेगा। तो आज मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, तो इसको ना सबसे पहले मैं हल्का सा बॉईल कर लूँगी, क्योंकि इसमें हल्का सा कड़वापन होता है ना तो वो निकल जाएगा, नमक डाल के बस एक दो मिनट के लिए मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा बॉईल करूँगी तो वो पक जाएगी। तो यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ मसाला, तो मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह रखा है और अनियन का बस करूँगी, तो बस मैंने छोटे छोटे दो अनियन लिए जिसको कि मैंने फ्राई कर लिया है, और इसके बाद मैंने ऑयल ले लिया था, इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और इसमें जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया, और इसको बहुत अच्छे से पकाऊँगी जब तक कि अच्छे से ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। तो इसके बाद मैंने सूखे मसाले भी ऐड कर दिए थे, जैसे कि रेड पाउडर और हल्दी, धनिया और गरम मसाला। तो मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आप कितना भी इसमें मसाले ज़्यादा ऐड करोगे ना, फिर भी टेस्ट वगैरह उतना अच्छा नहीं आता है, जो भी टेस्ट आता है वो ज़्यादा, और जो फल्ले का टेस्ट होता है ना वो आता है, आपके मसालों का टेस्ट उतना नहीं आएगा, बट फिर भी अपनी जो हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा होता है, और ख़ास करके जो भी प्रेग्नेंट है ना, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा होता है। और ये सब कुछ चीज़ें मेरी मम्मी को भी ट्रेनिंग में सिखाया है, तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि ये मतलब खाना चाहिए और बहुत अच्छा होता है, वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस इसमें मैंने फल्ली डाल दी थी और इसमें नमक ऐड कर दिया था, पानी और बस थोड़ी देर के लिए पकाया था, ग्रेवी वाली बनाना था, मीन्स के रस्से वाली, क्योंकि अगर आप सूखी बनाओगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, और रस्से वाली बनाते तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये होगी है बनके रेडी।
दिया था गर्म होने के लिए, और मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। और पता है यहाँ की जो लाइट है वो ख़राब हो गई है, ट्यूबलाइट, उसे ना कल ठीक करवाना पड़ेगा। तो चलिए मैं मिल्क ले लेती हूँ, थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। अगर जिसकी दूध वाले भैया लेट आ जाते हैं ना, तो फिर इसी की चाय बनाना पड़ता है। तो अब पता है जैसे आदत होगी है ना, जिसके रात में सोने से पहले मिल्क पीने की और ना पियो ना, तो ऐसा लगता है कि भूख लगी है तो ना पेट खाली खाली सा लगता है। अभी इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। तो ये देखिए जो बॉटल है ना, आज मैंने बनाई है रंगोली से। ये देखिए रंगोली से मैंने बनाया है, इसमें वार्निश अप्लाई करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ और फिर अभी सोने से पहले वार्निश अप्लाई कर दूँगी ताकि ये कल तक रेडी हो जाए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।